मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने बुधवार को वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण के समर्थन में जनसंपर्क किया और लोगों से मुलाकात करके अपने समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने सर्वप्रथम वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और नए कार्यालय की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों ही क्षेत्र में जनता से मिले और बातचीत की। सभी ने फूल मालाएं पहनाकर महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल एवं वार्ड 29 भाजपा प्रत्याशी राहुल देव वरुण का स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं जो जनता के हित में हैं और जनता ने उनका लाभ लिया है। थोड़ा पीछे को आ गए, थोड़ा पीछे से ले लेंगे, थोड़ा पीछे, बढ़िया, थोड़ा सा आज लाइन पार हनुमान नगर वार्ड नंबर 29 चौकी मस्ती में कार्यालय का शुभारंभ और डोर टू डोर प्रचार का काम कई दिन से शुरू हो चुका है, पर आज जो है विधिवत रूप से आज ये स्थान स्टार्ट किया गया है। कल से रोड शो शुरू हो जाएंगे, 4 दिन रोड शो पूरे महानगर में रहेंगे और 1 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा होगी और इसके बाद 2 तारीख से विनोद अग्रवाल फिर से